1994 का वो दिन था जहाँ जब नागपुर शीतकालीन अधिवेशन चल रहा था महाराष्ट्र विधिमंडल का, और तब की बात अगर की जाएगी तो उस दिन एक बहुत बड़ा दिल को दहला देने वाला हादसा हुआ था। शहीद गोवारी समाज जो आज बोला जाता है, गोवारी समाज का एक बहुत बड़ा मोर्चा आया हुआ था, 60 से 70 हज़ार लोग उसमें शिरकत कर रहे थे, और इसी जगह एक हादसा हुआ था जिसमें 114 गोवारी समाज के जो महिलाएं थे, बच्चे थे और पुरुष थे, उनको अपनी शहादत देनी पड़ी थी। और आज उसी घटना को लेकर 29 साल होते आ रहे हैं। देखा जाएगा तो उनकी जो मांगे थी कि अनुसूचित जमाती में उनको समाविष्ट किया जाए, क्योंकि बोगस आदिवासी का उनको दर्जा 1985 में दिया गया था, उसकी मांग को लेकर वो तत्कालीन सरकार जो शरद पवार की सरकार थी तब आए हुए थे यहाँ पर। और जो हादसा हुआ उसमें 114 गोवारी शहीद हो गए थे, उनकी यादों में ये स्मारक बनाया हुआ है। इसकी जानकारी इसलिए आज हम आपको देना चाहते हैं क्योंकि इन दिनों महाराष्ट्र में कई सारे आंदोलन आरक्षण को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन 29 सालों के पीछे का जो इतिहास अगर देखा जाएगा तो उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, और उसी की ओर ध्यान दिलाने के लिए मतलब राज्य में देवेंद्र फडणवीस और शिंदे सरकार है, और उन्हीं को कहीं ना कहीं ये बात बताने के लिए कि 29 सालों से इनकी मांगे पूरी है, और उसी की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में कैलाश राउत जी है जो पहले पेटिशनर है जिन्होंने जनहित याचिका दायर की थी, और पहले ग्रेजुएट रह चुके हैं और उस दिन के साक्षी रह चुके हैं जिस दिन ये जो हादसा हुआ था। सर फिर से अतीत में लेके जाऊंगा आपको, चलते चलते बात करते ये जो हादसा था उस वक्त आप कितने साल के थे और क्या हुआ था एग्जैक्ट? मैं एक्चुअली उस टाइम 25 साल का था, एम ए फर्स्ट ईयर कर रहा था, और उस टाइम 24 अप्रैल 19 मेरी जो पहली पिटीशन थी, और पहली पिटीशन जो थी वकीलों का बेमुद्दत आंदोलन था उस टाइम, वजह से वो डिसमिस हो गई, और उसके वजह से हमने 24 अप्रैल 1985 का जो जीआर था वो जीआर से हमारी जो सवलती की मांग है वो मांग को लेकर ऐसा जीआर में आया था कि गोवारी है, गुणगुवारी करके नाम सादृश्य का फायदा ले रहे, लेकिन 1985 तक हमको गुवारी को गुणगुवारी करके आदिवासियों की सहूलत थी। हमारा समाज का संगठन था उस टाइम बहुत विदर्भ में, और उसी टाइम हमने ऐसा सोच लिया कि अपन अभी कोर्ट से नहीं लड़ेंगे, विधान भवन पर मोर्चा निकालेंगे, तो हमने सब विदर्भ में पूरा प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद जिले पर मोर्चा, तहसील लेवल पे मोर्चा, और बाद में नागपुर हिवाड़ी अधिवेशन पे 23 नवंबर 1994 को बहुत बड़ा मोर्चा निकाला गया। शीत सत्र था वो, शीत हिवाड़ी अधिवेशन शीत सत्र था। अच्छा। और उसी टाइम हमारे नागपुर से लेकर पूरे विदर्भ के बहुत सी एक लाख के ऊपर गोवारी बांधव बंधु भगिनी छोटे बच्चे अपनी सहूलत पाने के लिए नागपुर शीत अधिवेशन पे मोर्चा लेकर आए थे। क्या हुआ था एग्जैक्टली, हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपको अतीत में लेके जाए उस दिन क्या हुआ था जो यहाँ पर आप बैठे हुए थे और अचानक कहीं क्यों भगदड़ मच गई? उस टाइम हमने 12 बजे यशवंत स्टेडियम से मोर्चा निकाला, बर्डी होते हुए हम टिपाइन मोर्चा अड़ा थे वहाँ पे आए, और आने के बाद जो हम लोगों की पब्लिक हम भाषण कर रहे थे, और हमारी मांग थी कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में गोवारी बांधव जमा है, और उसी के कारण सब नागपुर अधिवेशन चालू है, तो एखादे आदिवासी मंत्री या मुख्यमंत्री ने यहाँ पे मोर्चे के सामने आना चाहिए, और हमारी मांग उन्होंने सुनना चाहिए, ये हमारी मांग थी। और 24 अप्रैल 1985 का जीआर रद्द करके पूर्ववत हमको आदिवासी की सहूलतें बहाल करिए जाहिर करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग थी। क्या हुआ था? तो उसी दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार थे और आदिवासी मंत्री मधुकर राव पिचड़ थे, इन्होंने हमारा इतना बड़ा मोर्चा आने के बाद भी दुर्लक्षित किया, और मोर्चा का टाइम बढ़ते गया, करीब करीब हम 6 बजे तक यहाँ पे रुके। 6 बजे के बाद हमारे प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने
पाचारण किया और पाचारण किया तो वापस आए, जैसी उन्होंने मुलाकात नहीं ली तो वैसे ही 5-10 मिनट में वापस आए पुलिस के गाड़ी में। ये हमारी मांगी थी कि कोई मुख्यमंत्री आए शरद पवार और आदिवासी मंत्री पिछड़ आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। इसलिए जैसे ही आए वैसे ही 6:20 को यहाँ पे हम लोग, मैं स्टेज पे ही था रिक्शा पे, वो प्रतिनिधिमंडल हिवाड़ी अधिवेशन के अंदर गया था और मैं बाहर लोगों को संबोधित कर रहा था। उसी टाइम एक पीले दीवे की कार आई जो कमिश्नर की थी और लोगों को, हमारे आदिवासी लोग बहुत गांव खेड़े से आते थे, उनको लगा कि मिनिस्टर आया तो उन्होंने थोड़े खड़े हो गए। तो उसी टाइम उनको ऐसा लगा पुलिस वालों को, तो उन्होंने यहाँ का जो इकबाल करके SP था उन्होंने हवे में फायरिंग किया और पुलिस ने डंडे मारने चालू किए। उसमें भगदड़ मची और पुलिस ने जो फायरिंग किया वो फायरिंग में वहाँ पे जीवंत इलेक्ट्रिक की वायर थी, तार था एल्यूमिनियम का, और वो तार जीवंत तार बोलते वो करंट वाला तार गिर गया नीचे और वही हादसे में बहुत से लोग मारे गए, चंगरा चंगरी हो गई, पुलिसों का लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे। मतलब पे पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही थी, पुलिस प्रशासन की, और पुलिस प्रशासन को जब तक शासन आदेश नहीं देते मंत्री या गृहमंत्री, उनका भी दोष है, मुख्यमंत्री गृहमंत्री और आदिवासी मंत्री पुचड़ का दुर्लक्षित करना, यानी ये बहुत बड़ा पाप हो गया उन्होंने, यानी जनता के इसके लिए क्या बोलते हैं संवेदनशीलता उनके मन में नहीं थी, इसके वजह से ये सब पूरा गोवारी हत्याकांड हुआ। ये जो अतीत की जो 29 साल पहले की जो कहानी जो बता रहे हैं उसके गवाह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही शहीद हैं जो कि विदर्भ के पूरे जिलों से यहाँ पर आए हुए थे, वर्धा जिलों के जो शहीद हुए वहाँ उस दिन के हादसे में जिनकी मौत हो गई थी, उनको शहादत प्राप्त हुई, उनके नाम से स्मारक बना हुआ है यहाँ पर जिस जगह ये घटना हुई थी। ये वही लोग हैं जो कि आज भी याद किए जाते हैं, बड़ी संख्या में 23 नवंबर को लोग यहाँ पर आते हैं और आदिवासी समाज के में इनके जो रिश्तेदार होते हैं और समाज के कई लोग, बड़े बड़े राजनेता भी लोग यहाँ पर आते हैं और इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ श्रद्धांजलि तक ही आज 29 साल हो गए अर्पित रह गया है, लेकिन उसके बाद में कोई नाम नहीं लेता। हम नाम इसलिए आज इस मामले को ऊपर उठा रहे क्योंकि 29 साल हो गए ये समाज आज प्रतीक्षा कर रहा है अनुसूचित जमाती में शामिल होने की, लेकिन आज तक केवल आश्वासन दे दिए गए, केवल स्मारक बना दिया गया, लेकिन इनकी मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके पीछे क्या कारण था, क्या राजनीति इसके ऊपर हावी रही सर? राजनीति हावी है क्योंकि इलेक्शन में हमारा समाज जो है अनक्वालिफाइड है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उनको लगता है कि इलेक्शन आने के बाद अपन उनका वोटिंग ले लेंगे और ऐसा ही है, और कोई हमारे समाज में एक राजनीतिक आमदार नहीं बने या कोई डेवलप नहीं हुआ, इसके वजह से ये एक कारण है। और अशिक्षितपना, और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा समाज हमारा है, विदर्भ क्षेत्र में हर गांव में है, और उसके वजह से मजदूर करने वाला समाज बेचारा वो उतना ये नहीं रहा, इसलिए उनका फायदा लिया। लेकिन आज की कंडीशन सब गांव में डेवलपमेंट हो रहा है एजुकेशन में, इसलिए आज के जो तरुण हैं, आज का जो हमारा समाज है वो समाज अभी आक्रमित होने वाला है। हम ऐसा सरकार से कहना चाहते हैं कि 29 साल में हमको कुछ नहीं दिया, जो कि हमने 14 अगस्त 2018 को हाईकोर्ट ने भी हमको मान्य किया था कि गोवारी कौन गोवारी है, तो भी सहूलती नहीं, हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई और पिटीशन में भी जो कोरोना पीरियड में ऑनलाइन पिटीशन लेने के बाद उन्होंने जल्दी निकाल दिया, ये कोई तो भी यानी सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे जाति के पीछे। आदिवासी समाज के कई सारे मंत्री हुए 29 सालों में, कितने बार निवेदन लेकर आप गए कि इनकी मांगों की ओर अमल किया जाए, केवल स्मारक देकर ही बात यहाँ पर ना टाली जाए, लेकिन क्या आश्वासन मिला और क्या उम्मीद है अभी उनसे? मैं जब से मेरे तरफ पद आया आदिवासी गोवारी समाज संगठन का, तब से मैंने 4-5 बार मोर्चे निकाले, लेकिन आदिवासी मंत्री भी अपनी खुर्ची छोड़ने को तैयार नहीं। जो प्रस्तापित आदिवासी है जिनको आदिवासियों का लाभ अभी मिल रहा, वो भी हमारा
यानी हमारा जो वाटा है वो दूसरे को नहीं जाना चाहिए, हमारा हिस्सा दूसरे को नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमारा जो निवेदन जाता है वो सब दबा के रखते हैं और कचरे के पेटी में डाल देते हैं। दुर्भाग्य लगता है कि एक तरफ कई सारे आंदोलन महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर किए जाते हैं, हम हालांकि उनके पक्ष में ही है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए अगर जायज मांगे तो, लेकिन एक समाज जो कि 29 साल से प्रतीक्षा कर रहा है उसको आज तक सिर्फ वेट एंड वॉच की भूमिका पर रखा गया। आपके टीवी के माध्यम से मैं समाज को और मंत्रियों को या राजनेता को बताना चाहता हूँ कि आज भी हमारा समाज विदर्भ में बहुत क्षेत्र में बहुत बड़ा समाज है, और आज जो आरक्षण की मांगे जैसे कि धनगर की मांग है आदिवासियों में, जैसे कि मराठा की है, उनका तो हम समर्थन करते हैं, जिनका अधिकार है उनका मिलना चाहिए, लेकिन शासन से ये निवेदन है कि हमारी तो 114 लोगों की जान हमने दी तो भी हम सत्य रहने के बाद हमारा हमने हाईकोर्ट में जीतने के बाद तो भी हमको डिनाइन कर रहे, हमको सहूलत ही नहीं दे रहे, ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र ये शासन का मुझे लगता है। समाज की क्या स्थिति है आज अगर देखा जाएगा तो, एजुकेशन के मामले में, धन संपन्नता के मामले में और अन्य चीज़ों, खेती बाड़ियों के मामले, किस पर निर्भर है गोंड गोवारी समाज? आज ऐसी बात है कि 14 अगस्त 2018 को हमने जो हाईकोर्ट से केस जीती थी उस टाइम हमारे बहुत से बच्चों का एडमिशन ST से हो गया और ST से उनकी डिग्रियां कंप्लीट हो रही, उनको स्कॉलरशिप नहीं दी गवर्नमेंट ने, उनकी डिग्री अड़ा के रखी है, आज वो पढ़े लिखे होने के बाद मेडिकल या कोई बच्चे इंजीनियरिंग के या कोई विद्या शाखा हो गया विज्ञान शाखा में जो स्कॉलरशिप नहीं मिलने के वजह से उनकी डिग्रियां आज तक कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ी है और स्कॉलरशिप नहीं मिली है, इसलिए हम अभी ये हिवाड़ी अधिवेशन पे शासन के विरोध में बहुत बड़ा विदर्भ लेवल का मोर्चा निकालने की तकरीब सोच रहे हैं। समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस मोर्चे में शरीक होने के? समाज के लोगों को कहना है मेरा कि अपना समाज का विकास करना है तो अपनी सहूलती, आदिवासी की जो सहूलती है वो भी मांग रहेंगी, अपने बच्चों को कौशल्य विकास रोजगार, जो बेरोजगारी अपनी हटेंगी इसके लिए कौशल्य विकास का महाराष्ट्र शासन ने हमारे बच्चों को देना चाहिए, और दूसरी एक बात, महाराष्ट्र शासन ने जैसे धनगरों को आरक्षण नहीं दिया लेकिन उनके बच्चों को DBT शिक्षा में अनुप्रावधान, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन, ऐसे भी हमारे समाज को शासन ने देना चाहिए, और दूसरी एक बात ऐसी है कि हमारे जो बच्चों को स्कॉलरशिप रोकी बच्चों की और डिग्रियां आज तक नहीं दी, उनकी डिग्री भी वापस देना चाहिए, और हम मैं अपने समाज को ये जाहिर निवेदन कर रहा हूँ कि अपना समाज जो भी है आज थोड़ा डेवलप हो रहा, अपने समाज में राजनीतिक लोगों की बढ़ावा देना चाहिए, लोगों ने अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए, जो मतदार संघ में अपने बहुत बड़े लोग है, अपना समाज की संख्या है, वहाँ पे अपने उम्मीदवारों को चुनना देना चाहिए, जो सरकार में आते हैं वो भूल जाते हैं, इसलिए दूसरे के बजाय अपने समाज के लोगों को राजनीति में आने का उन्होंने समर्थन करना चाहिए, इसी समाज को मैं अपील कर रहा हूँ। अंतिम सवाल, ये जो मोर्चा निकलने वाला है इस बार शीत सत्र के दौरान, क्या 23 नवंबर 1994 जैसा मोर्चा रहेगा? हमारी पूरी कोशिश तो पूरे विदर्भ में पूरा प्रचार करेंगे गाड़ी लेके, मैंने 2015 को भी निकाला था तो 2015 का मोर्चा मेरा 25,000 लोग यहाँ पे शामिल हो गए, तो आज उससे भी ज़्यादा अन्याय हो रहा है, इसलिए हम पूरा विदर्भ छान छान के पूरा प्रचार करके बहुत बड़ा मोर्चा निकालेंगे, जैसा कि 23 नवंबर 1994 में निकला था वैसी मोर्चे की योजना अभी 23 नवंबर के बाद हम प्लानिंग करने वाले हैं। तो ये थे कैलाश राउत जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे, आदिवासी समाज, आदिवासी गोंड गोवारी समाज के एक वरिष्ठ नेता है और पहले पिटिशनर है जिन्होंने इसमें याचिका दायर की थी, और इस हादसे के मतलब अगर इस हादसे की अगर बात की जाएगी 23 नवंबर 1994 की, तो उसके पहले गवाह है जिनका साफ रुख रहा है कि पिछले 29 वर्षों में केवल ये समाज उपेक्षा का शिकार रहा, केवल राजनेता लोग यहाँ पर आते गए, कोरे आश्वासन देते गए, स्मारक बना दिया, यहाँ पर लोग आते हैं
और अपना अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन समाज की प्रगति नहीं हो सकी। और इसी कारण अगर बात की जाएगी तो ये जो मोर्चा इस बार शीतकालीन अधिवेशन, जिसे मराठी में हिवाड़ी अधिवेशन कहते हैं, इस बार शिंदे और फडणवीस की सरकार है, उनको बताने के लिए निकाला जाएगा कि इस बार अगर मांग नहीं मानी गई तो आगे में भी आदिवासी गोंड गोवारी जो समाज है वो आक्रामक हो सकता है। तो अपने आप में देखा जाएगा तो 29 वर्षों से केवल उपेक्षा हाथ में लगी है और ये स्मारक केवल बना दिया गया, जिसका नूतनीकरण अभी हाल ही में किया गया। इसके पहले खंडर जैसे हालात हुआ करते थे, लेकिन अब इसका नूतनीकरण किया गया है। लेकिन अगर बात की जाएगी इस विषय की तो काफ़ी गंभीर विषय है, जल्दी से जल्दी सरकार ने इनकी ओर ध्यान देना चाहिए और जो उपेक्षा है उसको दूर करते हुए समाज के साथ भी न्याय करना चाहिए। तो कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ मुकेश राव, बीकेबी न्यूज़, नागपुर।